हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रीम इलेवन ऐप पर पिछली टीम को छुपाने का तरीका बताऊंगा, जिससे ड्रीम इलेवन ऐप पर आपने पिछली टीम किस प्रकार की बनाई थी कोई भी नहीं देख पाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ड्रीम इलेवन ऐप पर अपनी पिछली टीम को छुपाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए, मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, ड्रीम इलेवन ऐप पर अपनी टीम को दूसरों से छुपाने के लिए सबसे पहले ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन करें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करें। तो चलिए वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करते ही इस तरह से विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर नीचे की ओर नज़र आ रहे माय इन्फो एंड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर शो माई प्रीवियस टीम्स वाले ऑप्शन को डिसेबल कर दें। सो माई प्रीवियस टीम्स को डिसेबल करने के लिए ऑप्शन के ठीक राइट साइड में नज़र आ रहे बटन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे से इस तरह से विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर आप ग्रीन कलर के पट्टी पर नज़र आ रहे यस हाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब सो माई प्रीवियस टीम्स का ऑप्शन डिसेबल हो चुका है। अब आपके पिछली टीम को कोई भी नहीं देख पाएगा। सो फ्रेंड्स, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी ड्रीम इलेवन ऐप पर अपनी पिछली टीम को सभी से छुपा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।